बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का जो टॉपिक है आज का वो थ्री फेज एसी सप्लाई। थ्री फेज एसी सप्लाई से पहले अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर के अंदर हमने देखा हुआ है कि कॉइल के रोटेट करने से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस होता है। अब वहां पे नॉर्मली हम एक कॉइल यूज करते हैं, कॉइल के साथ स्लिप रिंग्स को यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो टॉपिक है थ्री फेज एसी सप्लाई, यहाँ पे हम थ्री फेज जो यूज कर रहे हैं वर्ड, ये यहाँ पे किस चीज को जस्टिफाई करता है। तो जो मैं पहले यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम थ्री फेज यूज कर रहे हैं तो तीन कॉइल्स को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब जो तीन कॉइल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनके दरमियान जो फेज एंगल डिफरेंस आ रहा है वो 120 का आ रहा है एक दूसरे कॉइल के दरमियान में। क्वालिफिकेशन देखिए, ज्यादातर ये एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है और तीसरा कॉइल है। पहली बात ये कि यहाँ पे तीन कॉइल्स यूज हो रहे हैं। फिर दूसरी बात ये इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 120 डिग्री का आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आता है कि हर कॉइल जो है, पहली बात कि हर कॉइल क्या करेगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जो है हमने तीन कॉइल लगाए हैं, इनका मकसद क्या है, यूज क्या कर रहे हैं, तीनों कॉइल जो है वो वोल्टेज को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास पहला जो है ईच कॉइल जनरेट वोल्टेज, ठीक है। पहला जो पॉइंट हमारे पास आया कि तीनों को हम यूटिलाइज कर, अगर थ्री ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर जनरेटेड, मतलब तीन है वो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, वो ये पॉइंट जो है क्लियर कर। अब दूसरी बात कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। ये पहली लाइन का है जो मैंने ये पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। तीन पॉइंट जो तीन चीजें आ रही हैं वो इस तरह, पहला तीन क्वाल यूज करेंगे, दूसरा उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 होगा, तीनों क्वाल्स के जरिए से हम वोल्टेज को इंड्यूस करें। और अगर हम फेज के रास्ते देखते हैं जो कि फिगर से दिखाया गया है कि हमारे पास एक टाइम पे तीनों जीरो नहीं हो सकती, एक टाइम पे तीनों जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें फिगर से पॉइंट क्लियर होता है। अब हमने कहा सपोज कोई एक कॉइल है, हम इनको खुद ही से कोई नाम देते हैं, सपोज ये जो है हमारे पास ए है, ये बी है और ये कॉइल सी है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे सपोज पहले पॉइंट पे कॉइल ए जो है वो जीरो है, पहले पॉइंट पे कॉइल ए जीरो है, और अगर कॉइल बी देखें तो वो हमारे पास कितनी आ रही है, 120 आ रही है। जो कॉइल बी आ रही है वो कितनी आ रही है, 120 आ रही है, और कॉइल सी देखें तो वो हमारे पास 240 को क्लोज कर रही है। ये जीरो आ गई ए वाली और बी वाली 120 पे आ गई, और ये जो है हमारे पास 240 आ गई, 360 टोटल कर रही कंप्लीट है राउंड हो। तो जब एक जीरो है तो दूसरी 120 होगी और तीसरी 240 पे होगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, सपोज हम यहां पे आ गए, किसी भी पॉइंट पे अगर आ गए यहां पे आ गए, तो यहां पे हमारे पास जो सी कॉइल है, ठीक है, यहां पे रहते हैं, यहां पे जो बी कॉइल है, बी कॉइल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जीरो। बी कॉइल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जीरो। और यहां पे ए कॉइल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 120। ए कॉइल की वैल्यू क्या थी, 120, और जो सी कॉइल है वहां पे उसकी अकॉर्डिंग हमारे पास 240 की वैल्यू आ गई। अब किसी तरह से हम किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगा वो 400 आ रहा, जो नेट वोल्टेज होगा 400 आएगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमें कहते हैं हमारे पास तीन कॉइल है, पापा कितने हैं, तीन कॉइल है, तो हमें लगता है कि तीन कॉइल का और किसी के दो टर्मिनल, तो टोटल 6 टर्मिनल होंगे। जब वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 टर्मिनल का यूज कर, यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 टर्मिनल्स को यूज कर रहे हैं। अब इसका पैटर्न ये है कि हमारे पास जो तीन टर्मिनल हैं, जो तीन टर्मिनल है वो एक ही कनेक्टेड है, एक टर्मिनल और बाकी जो तीन है वो इंडिविजुअल कनेक्टेड है, तो टोटल 4 टर्मिनल आते हैं। जो हमारे पास है वो 6 टर्मिनल्स के बजाय 4 टर्मिनल्स यूज हो रहे हैं। अब ये फिगर है हमारे पास, अब यहां से देखें ए बी ए टर्मिनल, ये तीनों ए बी है, फिर ए बी और सी बाकी तीन टर्मिनल, तो टोटल टर्मिनल कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 टर्मिनल हमारे पास। अच्छा, अगर हम यहां पे
फेज डिफरेंस देखते हैं तो पापा कहता है 220 का फेज डिफरेंस आ गया 230। और यहां से भी अगर देखते हैं हम ये भी 230, और अगर हमें ये वाली देखें ये जो है ये भी कितनी होगी जी 230। लेकिन यहां से जो यहां का डिफरेंस होगा वो 4, यहां से जो यहां का डिफरेंस होगा वो क्या होगा 4। ये जो डॉटेड है ये कहीं से जा रही है ग्राउंड पे, जो नीचे है ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे जा रही है क्योंकि बाबा कितनी आ रही है 230, और जो यहां पे आ रही है बाबा टोटल क्या आ रही है 400। अच्छा जी, हम एसी जो यूज कर रहे थे पहले सिंगल फेज यूज कर रहे थे, अब थ्री फेज यूज करने का क्या मतलब है? एक तो ये कि ये बाबा वेरिएशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे जीरो वैल्यू हमारा सब नहीं आती, किसी भी पॉइंट पे हमारा जीरो वैल्यू नहीं आती, और हमारे पास जो जर्किंग हो रही थी झटके लग रहे होते हैं वो नहीं आती, वो एक स्मूथ सिस्टम चल रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मापा जो एडवांटेज आ रहा है उसका ये आ रहा है कि इसका जो लोड है वो ज्यादा फील नहीं होता, मतलब अगर हम एक्स्ट्रा भी अप्लाइंस लगाए एसी का मोटर या हैवी मशीनरी को यूज करें तो उसके बावजूद यहाँ पे जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा तीन कॉइल्स पे, जब तीन कॉइल पे लोड डिवाइड होगा तो फिर हमें उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। और कितना लोड जो है वोल्टेज की सेंस में अफोर्ड कर सकता है 400 वोल्ट मैनेज कर सकता है ये इस तरीके से। तो अब इसके बाद जब हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है 16.14 है, अब इसके अंदर जो हमारे पास अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इससे पहले हम ये यहां आया कहां से कौन था, अब ये एक साइंटिस्ट था उसने काफी ज्यादा इक्वेशंस को ट्राई किया, इक्वेशंस ट्राई करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हो, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, साथ में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, अब इसकी वजह से आगे बोल इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव्स की पैटर्न में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसी पॉइंट को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, सपोज हमने किया ए बी को एक रीजन है जो कि कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर, ए बी कोई एक रीजन है जो कि कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब चेंज हो रही है वो कह रही है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया है, वो कह रही है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, जब यहाँ पे ए बी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास सी डी पे जो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा जो कि चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फिर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और फ्लक्स जो है वो चेंज होने की वजह से हमारे पास वो वेव्स मूव करना शुरू कर देगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो चीजें वेव बन रही है शिफ्टिंग हो रही है इसी को हम वेव्स का नाम दे, अब अगर हमें जो लाइट इस पैटर्न में मूव करती है, अब इसी तरह में आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन करते हैं तो हमें ये डेफिनेशन आती है कि जिसके लिए मीडियम की जरूरत ना हो, नो मीडियम रिक्वायर्ड, हमारे पास जिस वेव के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होगा और वो वैक्यूम के अंदर स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड से प्रोपगेट करेगी, तो उसको हमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो हमारे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसको हम सी से सिंबल से यूज करते हैं कि जो फ्री स्पेस में सी वैल्यू। अब अगर हम इसका रिलेशन देखते हैं तो हमें इस रिलेशन से ये चीज समझ आती है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम और स्पेस जो है वो डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ अगर चेंज होगी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर हमें इसको देखें तो वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेवलेंथ क्या हो सकती है
चेंज हो सके। अब जब वेवलेंथ चेंज हो रही है तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स का और उस पे आप हमने इनको नाम दिया रेडियो वेव्स का, माइक्रो वेव्स का, इंफ्रारेड वेव्स का और विजिबल लाइट। अब इतनी रेज है और इनमें से जो हमें सिर्फ दिखाई देती है वो विजिबल लाइट है, कुछ की वेवलेंथ बहुत बड़ी है जो मेरे वाली हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और कुछ की वेवलेंथ बहुत छोटी है जिसको हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती। जो सिर्फ हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट आती है जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन वगैरह। तो अब तक इतना काफी, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।